खाली हो चुकी है गाड़ी। ये वन विभाग वालों का ऑफिस है। यहाँ से काले आम जाना है अपने को। काले आम यहाँ से लगभग होगा 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर है यहाँ से काले आम। ये सब ये मतलब ये पूरा पहाड़ पार करना है। ये पूरा एक तरह से इंडस्ट्री एरिया इंडस्ट्री एरिया पूरा पार करना पड़ेगा। चल जाता हूँ लाला से, लाला से लेता हूँ रिसीविंग और यहाँ से रिसीविंग लेके ऐसे निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ठीक है दोस्त भाई, गाड़ी वाड़ी गाड़ी खाली हो चुकी है और अपन गाड़ी खाली करके उस वाले रास्ते से ना इस वाले रास्ते पे आ चुके हैं। सुबह आपको दिखाया था ये वाला रास्ता, इस रास्ते से अब इधर आ गए और इधर से ये देखो कितना व्यू बढ़िया लग रहा है ना, कितना व्यू आ रहा है इसमें। अब इस रास्ते से जा रहा हूँ मैं NH हाईवे पे और ये खड़ी अपनी धन्नो राम मंदिर, राम जी का झंडा गाड़ रखा है तो झंडा ही गड़ेगा। और वो सामने टावर दिख रहा है एक जियो का एक एयरटेल का कोई फायदा नहीं है, इससे ऊपर टावर लगाने थे यार। टावर जो बहुत दूर दूर तक पहुंच चुके हैं यार, जब से जो मोदी आया है ना भाई, मोदी आया है जब से यहाँ पे भी नेटवर्क पकड़ रहे हैं भाई। हकीकत बता रहा हूँ, पहले नेटवर्क नहीं पकड़ते थे इधर, बोला भाई एक काम करो उधर जाओ उधर नेटवर्क पकड़ेंगे। अब तो यहाँ गली गली शहर शहर हर जगह मोदी के आने से ना ये फायदा हो गया कि पहाड़ों में भी नेटवर्क मिल रहा है, पूरा फुल नेटवर्क मिल रहा है भाई। मेरा फुल 4G फोन है, 4G फोन है, फुल स्पीड से चला नेट, पूरी रात नेट चलाया और खड़ा रहा मैं। अब यहाँ से कैसे भी करके हाईवे पे निकल जाता हूँ क्योंकि सिंगल रोड है, बहुत सिंगल रोड है। एक मेरी गाड़ी मैं अपनी गाड़ी लेकर चलूँगा ना तो दूसरी गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती ना, आमने आगे से आएगी ना वो निकल सकती, उसके लिए ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है। दिख रही है साइड में बिल्कुल लगी हुई है, ये रोड छोड़ रखा है तब छोड़ रखा है। अब गर्मी नहीं है, गर्मी होती ना जब नहाने का कुछ और ही मज़ा आता है यार, हकीकत बता रहा हूँ। अब नहाया नहीं यार, देख पानी देख के ना दिल तो बहुत कर रहा है कि नहा लूँ मैं, नहाऊँ कहाँ यार यहाँ से। अब यहाँ से 250 किलोमीटर और जाना मेरे को काले आम, वो तो पंचकुला के पास, वो तो प्लान में। चलो भाई निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, ये खड़ी हमारी धन्नो। ठीक है धन्ना, देख रहे हो भाई यहाँ से अम्बाला परवाणु जाना है मेरे को। यहाँ से परवाणु कितना है, 182 किलोमीटर। देख लिया दोस्त, देख लिया भाई, मजे ले रहा हूँ ना जिंदगी के। बस दुख बहुत है मेरे शरीर में, दुख बहुत है यार, किस किस को बताए यार, एक जिंदगी मिली किसको दुख पता है, कट रही है जैसे कटने थे साली। बस देखे नहीं दोस्त, यहाँ से परमाणु है 182 किलोमीटर, देख लो भाई वहाँ तक जाना है। अब कहीं गाड़ी खड़ी करता हूँ, अब ये नेशनल हाईवे पर चढ़ गया हूँ मैं, अब कोई टेंशन नहीं, दिखलाऊँ आपको। अब कहीं रोकूंगा, कहीं गाड़ी रोकूंगा वहाँ पे, थोड़ा बहुत नहाऊंगा धोऊंगा फिर सो जाऊंगा, चलता रहूंगा। किंगला यहाँ पानी तो होगा यार, देख पानी आ रहा पहाड़ों में से। अरे चल जा, ओ तेरी के अभी हो जाती। अरे नीचे झरना चल रहा भाई, ये गुलाई आ गई, ये कट आ गया भाई, देखोगे देख रहे हो नीचे झरना चल रहा है और नीचे ये देखो वो होटल लग रहा है। Thank you.
भाई पानी भर लेता हूँ पहाड़ों का। ओहो भाई साहब ये आ रहा है ऊपर से, पानी दिख रहा है ऊपर से आ रहा है बिल्कुल, और इतना ठंडा पानी है हद से ज्यादा। अभी गाड़ी में रखूंगा ठंडा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ बाघ की, यहाँ बाघ आ जाता है तो ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं यार, डर के आगे जीते जब ऋतिक रोशन ने कह रखा है। पानी पता कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ये देख रहे ऊपर से। भर गई, एक बोतल भर गई है। हाँ अब चलता हूँ अपनी गाड़ी के पास। यहाँ गाड़ी खड़ी करी थी मैंने, यहाँ पे यहाँ स्लिप मार गई पूरी की पूरी गाड़ी, और यहाँ खड़ी नहीं करनी है। इतना ठंडा पानी है देख रहे हो, मेरे सिवा और कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। ये हो गई अपनी, ये पानी फुल हो गया। 2 लीटर की बोतल रख रखी है, आगे के लिए काम आती है अपने, कहीं टॉयलेट वॉलेट जाना हो, चल भाई कोई बोतल है तो भर लो। और यहाँ तो भाई जिंदगी के मजे, मेरी आवाज ही गूंज रही है और कोई आवाज नहीं दिखेगी। देख रहे हो सिर्फ मेरी आवाज, जितना भी चिल्लाऊंगा ना मेरी आवाज ही गूंजेगी। देखा डबल आवाज आती है इधर, और ये खड़ी अपनी गाड़ी। पानी भर के लाया, अब पानी भर के अब जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। पानी बड़ा चिल्ड है भाई, कुछ भी कहो। अरे खड़ी यहाँ पे आवाज मारता हूँ ना तो 2 आवाज निकलती है, देखो यहाँ गूंज, यहाँ गूंजाऊ, देखा मजा आ गया ना। देखा बहुत मजा आ रहा है भाई तेरी कसम, देख आवाज मारने में तो और मजा आ रहा है मेरे को। वीरानी साहो में इधर कोई नहीं है, सिर्फ मेरे सिवा मैं अकेला ही हूं। देखा वो सामने वादियों में, देखो भाई ये जीवन के पल है, बिता लो कैसे भी करके, दोबारा नहीं मिलते भाई, दोबारा तो पता क्या रह जाता है भाई। बड़ा खुश हो रहा हूं भाई तेरी कसम, बड़ा मजा आ रहा। ओहो अपनी धन्ना, ये डबल आवाज आती है भाई। हाँ मजे तो ये मजे ही मजे, चलता हूँ नहीं तो बाघ आ जाता है, यहाँ पे बोलते हैं लोग बाघ आ जाता है। अब ये रखी बोतल और अब चढ़ो गाड़ी में। 1 2 ये चढ़ गए हम गाड़ी के अंदर, देखा ना मजा तो मजा है भाई। हो अब चलता हूँ अपनी तरफ, ठीक है ना भाई। चाय पीने के लिए रुका हूँ भाई यहाँ पे, और ये खड़ी अपनी गाड़ी। अब यहाँ से चाय पीते हैं। ये जाली वाली ये थोड़ा बंदर घूम रहा था। अच्छा अच्छा बंदर घुसाते क्या माल आता है आपका इसमें? इसमें आता है चॉकलेट बिस्कुट मैगी ये सब आता है। अच्छा, इस भाई ने चाय बनाई है। नेस्ले? हाँ नेस्ले। अच्छा। चाय पी लेते हैं यार, ठंड भी लगने लग गई। और भाई यहाँ की कुछ बातें बताओ हमें, आप यहाँ कहाँ से आते हो? नीचे से आते हो? 1 किलोमीटर पीछे गांव वो लगा जा रहा हूँ। हाँ हाँ 1 किलोमीटर पीछे। हाँ हाँ तो वहाँ से आते हो? या सेल्समैन नहीं आता सामान देने? नहीं मार्केट शॉप है खुद का। अच्छा मार्केट शॉप है, खुद की मार्केट है भाई। अभी ये कोई भी है अपना धंधा है, बिजनेस है ये एक तरह से, छोटा हो बड़ा हो कोई बड़ी बात नहीं। मंदिर का उद्घाटन है और इस मंदिर पर रुकाऊ भोग लेने के लिए। भाई साहब राम मंदिर जिंदाबाद, मंदिर मैन चौराहे पे भाई मजा आ गया। अब की बार देख रहे
यहाँ से भोग भोग लेता हूँ फिर चलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। मत्था टेका, लड्डू लिए, अब यहाँ से भोग लेते हैं, मजा आ गया। अब चलते हैं, भाई साहब अब चलते अपने मंदिर की तरफ। मजा आ गया, 20 रुपये डाले। अब देख रहे पकवान, अपनी गाड़ी की तरफ चलते और इसको पहले रखते हैं, उसको खाते हैं। भाई जय श्री राम। देख रहे हो वो खड़ी मेरी गाड़ी, एक कंटेनर उठाना पड़ेगा इस होटल पे खड़ा। बाबा बारकंड लक्की वैष्णो ढाबा, सही है यार, रात को यहीं सो गया था आराम से, नींद पूरी हो चुकी है। उठा, उठने के बाद फ्रेश व्रेश हो गया और ये खड़ी अपनी गाड़ी, रात को यहीं आके सो गया था। यहाँ से 1.5 किलोमीटर और जाना है, यहीं आके सो गया। भैन जब सुबह सुबह उठ रहा हूँ तो उठने का दिल नहीं कर रहा यार। चाय वाय पी लेते हैं, चाय वाय पी के यहाँ से निकलते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद अपने आप देखेगा। ये आ गई अपनी चाय, बाहर के गिलास चाय आई है। दिख गई चाय, चलते यार। मेरा वो डंडी टूट गया ना कल झंडे से।